मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुशीर के ओहदे से फारिग होने के एक हफ्ते के बाद बसीर अहमद खान के घर पर छापा मारा। सरकारी जराए ने जीएनएस को बताया कि नई दिल्ली से सीबीआई की एक टीम ने मुकामी पुलिस के हमरा यहां बुलबुल बाग बाघट में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बशीर अहमद खान के घर पर छापा मारा। जब ये रिपोर्ट दर्ज की गई तो छापा मारा जा रहा था। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जराए ने बताया कि छापा जाली गन लाइसेंस रैकेट के सिलसिले में किए जा रहे। मार्च 2020 से लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और उनके जानशीन मनोज सिन्हा के मुशीर के तौर पर रहने वाले बसीर खान को सीबीआई के आला अफसरान ने वजारत दाखिला जीओआई को बंदूक के लाइसेंस रैकेट में उनके नाम के बारे में मतला करने के बाद फारिग कर दिया। उसके बाद एमएचए ने बसीर खान को मुशीर के ओहदे से फारिग कर दिया। यहाँ तक कि हुकूमत की जानिब से खान को फारिग करने के हुक्म में एमएचए का जिक्र था।